ठीक ठाक है। कितना मतलब इससे और इसमें कितना अंतर लगा, क्योंकि उसमें लाइन लगाना पड़ता था या सीधे है टिकट ले लिया? उससे तो थोड़ा बेहतर है, जैसे लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद परेशानी भी खत्म हो, उतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। रेलवे द्वारा जो यात्री सुविधाएँ बढ़ाई जा रही है, उससे पूछा है जी कहाँ जाना था? भदोही। नाम क्या बोलता? पूछिए। नाम? विष्णु कुमार। उससे बेहतर है, मतलब जो कि सुविधा दिया हुआ है फोन पे से, गूगल पे से भी आप अपना मतलब इससे टिकट मतलब बुक कर सकते हैं, कहीं जैसे प्लेटफॉर्म भी हुआ तो सुविधा है, भीड़ भाड़ से बचाव के लिए बेहतर है यहाँ पे, जो आके अपना यहाँ से कर सकता है। ठीक है। कहाँ जाना था? जाना हमको मधुबनी है। नाम क्या? नाम मेरा शंकर कुमार हुआ। मतलब टोकन सिस्टम भी है प्लेटफॉर्म का है, कहीं जाना है तो वहाँ से आप ट्रेन यहाँ से बुक कर सकते हैं, अपना मतलब गूगल पे से भी अपना मतलब ट्रांजेक्शन करा सकते हैं मोबाइल में, ताकि सुविधा है। यानी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय रेलवे जो है वो यात्री सुविधाओं को लेकर अपने जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें बढ़ोतरी कर रही हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए UTS बुकिंग कार्यालय है, वहाँ पे लोगों की भीड़ आपको दिख रही होगी। पहले लोग इसी प्रकार लाइन में लगकर टिकट लेते थे या जानकारियाँ लेते थे कि जो पूछताछ काउंटर होते थे उस पर अब यात्रियों के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पे एक नई सुविधा शुरू की गई है, ATVM। ये देखिए वो मशीन है जहाँ से आप चार तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन की जो लाइव स्टेटस है वो जान सकते हैं, ट्रेन में एबिलिटी जो है सीटों की वो जान सकते हैं, टिकट कटा सकते हैं, फास्ट बुकिंग की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है, साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी आप यहां से ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पे इस तरह की चार ATVM जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं, ठीक जो बुकिंग काउंटर है उसके ठीक सामने दो इधर हैं और दो ठीक उसके सामने लगाए गए हैं। यात्रियों को अब इससे ये लाभ होगा कि उन्हें लाइन में लगकर टिकट का इंतज़ार नहीं करना होगा। यहाँ लोग जो हैं, चूँकि पर नई चीज़ है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार ये मशीन काम करती है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है ये, ठीक है, जिसके बारे में लोग चूँकि नया है तो जान रहे हैं, पर यात्री के लिए ये बेहद लाभदायक है। जो यात्रियों को पहले भीड़ में लाइन में लगकर टिकट लेना पड़ता था उनके लिए अब ये बहुत अच्छी बात हुई है कि इस प्रकार की चार मशीनें हैं और आगे के समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। कभी कभी होता ये है कि आप स्टेशन पर पहुँचे, सामने आपको ट्रेन दिखती है, जल्दीबाजी में आप टिकट नहीं लेकर ट्रेन में चले जाते हैं और फाइन भरकर टिकट आपको लेना पड़ता है, पर इस प्रकार की मशीन आने पे एक फ़ायदा ये है कि आप झटपट टिकट ले सकते हैं और जो फाइन देने है उससे भी बच सकते हैं। इस प्रकार की मशीन जो है वो बेहद लाभदायक साबित हो रही है लोगों के लिए, और भाषा का भी इसमें बंगला हिंदी भी है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने रांची के लिए टाइप किया कि रांची, तो उसका ये आ गया सेकेंड क्लास का सिंगल जर्नी, और उसका टिकट की जो कीमत है 554 रुपये मेल एक्सप्रेस, और उसको आप पे कर सकते हैं यहाँ से, आपकी टिकट जो है वो ऑनलाइन कर सकती है, UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। 175 रुपये मुजफ्फरपुर से रांची की टिकट जो है वो आपको यहाँ शो कर रही है। तो लोगों के लिए इस प्रकार की जो मशीनें लगाई गई हैं वो बेहद लाभदायक साबित हो रहे हैं, लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से NVT के लिए मैं संदीप कुमार।